नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 अप्रैल 2022 चैत्र नवरात्रि पंचम दिवस माँ स्कंद माता का दिन है। स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। माता की आराधना करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ हमें विद्या और ज्ञान प्राप्त प्रदान करती है। बोला जाता है कि माँ कमल पर हमेशा विराजमान है, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा गया है। तो आइए जानेंगे किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए हमें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात माँ के समक्ष बैठ जाइए और उन्हें जलाभिषेक करिए, वस्त्र अर्पण करिए, मौली रौली अर्पण करिए, अक्षत अर्पण करके धूप दीप दिखाकर माँ को मिठाई और केले का भोग अर्पित करिए। उन्हें निवेदन करिए कि हे माँ, मैं आपको इस भोग का निवेदन करता हूँ या करती हूँ। उसके पश्चात माँ के समक्ष बैठकर अपने विशुद्धि चक्र में ध्यान ले जाइए। विशुद्धि चक्र माँ स्कंद माता का हमारे शरीर में निवास स्थान है। तो ध्यान मुद्रा में बैठकर अपना सारा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे ले जाए और गणपति जी का ध्यान करें, अपने गुरुओं का ध्यान करें। उसके पश्चात अब माँ को महसूस करते हुए, जिनकी गोद में हमेशा से कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, ऐसी माता का अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान करते हुए इस मंत्र का 40 मिनट तक मानसिक जप करें। मंत्र है, ओ देवी स्कंद माताय नमः, ओ देवी स्कंद माताय नमः, ओ देवी स्कंद माताय नमः। अगर किसी के संतान नहीं है और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे दंपति को चाहिए कि दोनों मिलकर माँ के समक्ष बैठकर कम से कम 21 मिनट नित्य मेरे बताए हुए मंत्र का अगर साल भर मानसिक जप करते हैं, तो विश्वास करिए माता प्रसन्न होकर आपको संतान प्रदान करती है और संतान का सुख आपको प्राप्त होता है। तो मंत्र है, ओ स्कंद मात्रे नमः, ओ स्कंद मात्रे नमः, ओ स्कंद मात्रे नमः। इस तरह से दोनों दंपति मिलकर 21-21 मिनट तक लगातार इसका मानसिक जप करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, किसी भी जन्म में या इस जन्म में किसी भी तरह की हमसे भूल हुई हो संतान के लिए, तो हमें क्षमा करें, अपनी शरण में ले और हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके पश्चात आरती करें, माँ को समस्त फल का अर्पण कर दे। बोले, माँ श्री दुर्गा अर्पणमस्तु, अर्थात जो भी फल आपको प्राप्त होने वाला है इस मंत्र से वो माँ के ही चरणों में अर्पित करते हैं। तो हमसे जो भी गलतियां हुई है माता रानी क्षमा करती हैं और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका और आपके परिवार का जीवन सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। बहुत बहुत थैंक यू।